वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट यूअर चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। दिस चैप्टर इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। यू आर वॉचिंग ए पोर्ट्रेट ऑफ खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इज ए वेरी फेमस ऑथर ऑफ इंडिया राइटिंग इन इंग्लिश। ही हैज रिटन ए वेरी फेमस नावल ए ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह का चैप्टर है ये। खुशवंत सिंह ने जिन्होंने ए ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास लिखा है उन्हीं का ही ये चैप्टर है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। हेयर पोर्ट्रेट मीन्स फोटोग्राफ, लेडी मीन्स ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के बारे में बात कर रहा है। खुशवंत सिंह हैड ए वेरी डीप अटैचमेंट विद हिज ग्रैंड मदर। उसकी अपनी दादी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। In this story, he describes his three phases of relationship with his grandmother. वो अपनी दादी माँ की तीन अवस्थाओं की relationship के बारे में बात कर रहा है। Their first phase of relationship was very deep. उनकी पहली relationship है वो बहुत गहरी थी। When खुशवंत सिंह was still a child, he was a school going child. वो अभी स्कूल जाने वाला बच्चा था। At that time, he had a very deep relationship with his grandmother. His grandmother used to love him and take care of him a lot. उसकी दादी माँ उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उस अवस्था के अंदर। खुशवंत सिंह says that although his grandmother was very old, still she was beautiful. She had a very wrinkled face. उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, फिर भी वो बहुत सुंदर थी। She was as beautiful as a snow-covered mountain, as she used to wear white cloth, white saree. क्योंकि उसकी दादी माँ है वो सफ़ेद कपड़े पहनती थी, और खुशवंत सिंह कहता है कि उसकी दादी माँ फिर भी उन सफ़ेद कपड़ों में सुंदर लगती थी, उस पहाड़ी की तरह से सुंदर लगती थी जैसे कि कोई पहाड़ी सफ़ेद बर्फ से ढकी हो। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर ही हैड ए वेरी डीप रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर। एट दैट टाइम खुशवंत सिंह यूज टू स्टडी इन ए प्राइमरी स्कूल ऑफ द विलेज। At that time, his grandmother used to get him up in the morning. She would provide him a bath and then she escorted him to school. While Khushwant Singh studied in the school, his grandmother used to read scriptures, holy books in the temple, as his school was situated nearby a temple. उसकी पहली अवस्था के अंदर खुशवंत सिंह हमें बताता है कि जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो उसकी दादी माँ के साथ उसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। उसकी दादी माँ सुबह सुबह उसको उठाती थी, उसको नहलाती थी, फिर खाना खिलाती थी, और उसके साथ ही खुशवंत सिंह के साथ ही वो स्कूल जाती थी। उसका स्कूल एक मंदिर के पास स्थित था। खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ने लग जाता था और खुशवंत सिंह की जो दादी माँ है वो पास वाले मंदिर के पास है, वो चली जाती थी और वहाँ पर वो धार्मिक किताबें हैं वो पढ़ती थी। While coming back, they used to feed the village dog with stale chapatis. और जब वो वापस आ रहे होते थे तो जो कुत्ते हैं वो कुत्तों को रोटियाँ डाला करते थे जो बची हुई होती थी रात के समय की। Then this relationship stopped, this type of relationships stopped, and his second type of relationship started with his grandmother. उसकी दूसरी तरह की relationship grandmother के साथ शुरू हो जाती है। Now खुशवंत सिंह started going in a convent school. उसने convent school में जाना शुरू कर दिया। Earlier खुशवंत सिंह was going to his school on foot with his grandmother, but now he was going to school on a school van. अब वो स्कूल है, वो स्कूल वैन के अंदर जाता था। So his grandmother could not accompany him to school. उसकी ग्रैंड मदर है वो उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी।
Now they had shifted in a city and started living with his parents. Khushwant Singh school जाता है तो वो अपनी दादी माँ के साथ स्कूल नहीं जा सकता था. वो स्कूल वैन में स्कूल जाता है और वो सिटी में रहने के लिए चले जाते हैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए. खुशवंत सिंह यूज टू स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक म्यूजिक, मैथमेटिक्स, आर्किमेंडिस प्रिंसिपल्स एंड सो एंड सो. खुशवंत सिंह जो सब्जेक्ट पढ़ता है म्यूजिक भी पढ़ता है, आर्किमेंडिक प्रिंसिपल्स भी पढ़ता है साइंस के अंदर, वो मैथमेटिक्स भी पढ़ता है. एंड द ग्रैंड मदर कुड नॉट यूज टू हेल्प हिम इन हिज होमवर्क. अब उसकी दादी माँ है वो उसका होमवर्क में भी हेल्प नहीं कर पाती है. एंड शी डिडंट अप्रूव ऑफ द एजुकेशन गिवन इन द स्कूल्स, इन द कॉन्वेंट स्कूल्स. और वो जिस प्रकार की कॉन्वेंट स्कूल के अंदर एजुकेशन दी जाती है उसके साथ वो सहमत नहीं होती है. शी वॉज वेरी शॉक्ड टू नो दैट म्यूजिक वॉज ऑल्सो टॉट इन दिस स्कूल. उसको बड़ा ही धक्का लगता है जब उसको पता चलता है कि स्कूल के अंदर है वो म्यूजिक भी सिखाया जाता है. बिकॉज शी फेल्ट दैट म्यूजिक इज टॉट ओनली टू द बैगर्स. म्यूजिक है वो केवल बैगर्स एंड हायरलॉट्स को सिखाया जाना चाहिए, जो भिखारी होते हैं और जो वंचित लोग होते हैं म्यूजिक सीखना उन्हीं का ही काम होता है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम ही फेल्ट आइसोलेटेड. अब उसकी दादी माँ है उसको थोड़ा आइसोलेशन भी फील होता है. नाउ शी कुड नॉट फीड विलेज डॉग्स. उसको वो विलेज डॉग्स को भी खाना नहीं खिला पाती. एंड शी यूज टू स्टार्ट फीडिंग स्पैरोज कमिंग इन देयर कोर्ट यार्ड. और जो स्पैरोज उनके आंगन में आती हैं वो उनको खिलाना, उनको चावल वगैरह डालना शुरू कर देती है. देन देयर थर्ड फेज ऑफ रिलेशनशिप स्टार्टेड. उनकी तीसरी अवस्था है, संबंधों की तीसरी अवस्था शुरू हो जाती है. नाउ द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू ए कॉलेज. उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया. द ऑथर वॉज ऑल्सो गिवन ए सेपरेट रूम फॉर हिज स्टडी, सेपरेट लिविंग रूम फॉर हिज स्टडी. उसको स्टडी के लिए भी अलग कमरा दे दिया गया था. Now both of them see very less each other. वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे because he was busy in his study. Okay, they saw very less of each other. वो एक दूसरे को कम ही देखते थे. Then after completing his college education, Khushwant Singh went abroad. Khushwant Singh है वो विदेश चला जाता है for higher education. Now Khushwant Singh thought that when he will reach back his home, his grandmother might not be there. वो सोचता है कि अगर वो वापस जाएगा, जब जाएगा अपनी एजुकेशन के बाद, अपनी हायर एजुकेशन के बाद, तो शायद उसकी दादी माँ है वो जिंदा ना हो. But after completion of his higher education, when Khushwant Singh reached back his home, his grandmother reached there एट द स्टेशन टू वेलकम हिम. उसकी दादी माँ है वो स्टेशन पर पहुँचती है उसको रिसीव करने के लिए. शी वॉज एज ओल्ड एज शी वॉज. उसको वो उतनी ही बूढ़ी दिखती है जितनी पहले थी. इन द इवनिंग खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर फेल्ट माइल्ड फीवर. उसको थोड़ा बुखार हो जाता है. शी गैदर द वीमेन ऑफ द सराउंडिंग एरिया नेबरहुड. वो अड़ोस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करती है. एंड शी टुक ए डिलैपिडेटेड ड्रम. उसने एक ढोलकी ले लेती है, वो ड्रम सा ले लेती है. एंड शी सैंग सॉन्ग्स ऑफ कमिंग ऑफ हर सन बैक टू होम. और वो गाना गाती है कि उसका जो बेटा है वो वापस आ गया है सब औरतों को साथ मिल करके. एंड इन द इवनिंग नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग शी डाइड वेरी पीसफुली. और अगले दिन वो सुबह मर जाती है, मरी हुई उनको मिलती है. द ऑथर फेल्ट वेरी सैड. उसको बड़ा उदास महसूस होता है. ओके मीन वाइल मैनी स्पैरोज गैदर्ड देयर. बहुत सारी चिड़ियां वहां पर इकट्ठी हो जाती हैं. द ऑथर एंड हिज फैमिली मेंबर्स गेव क्रम्स ऑफ चपातीज टू देम टू फीड देम.
दी ऑथर और उसका जो फैमिली मेंबर है वो उन चिड़ियों को चावल वगैरह और जो रोटी के टुकड़े वगैरह है वो डालती हैं, क्योंकि पहले उनको दादी माँ है वो डाला करती थी. बट दी स्पैरोज डिडंट टुक दोज पीसीज ऑफ स्टेल चपातीज, उन्होंने वो रोटियां नहीं खाई, रोटी के टुकड़े नहीं खाए, एंड दे फ्लू अवे फ्रॉम देयर, और वो वहाँ से चली जाती हैं. सो दिस इज योअर चैप्टर, ए पोर्ट्रेट ऑफ लेडी. आई होप दैट यू विल एंजॉय इट व्हेन वी विल रीड इट वर्ड बाय वर्ड. टिल देन बाय बाय. वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.